हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे थे और हम लोग को आज ऑडियो मॉड्यूल लगाना था अपने कैलकुलेटर में। तो हम लोग आज ऑडियो मॉड्यूल लगाएंगे। और उससे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग लाते हैं टेक्निकल कंटेंट, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और अलग अलग तरीके नॉलेजेबल चीज़ लाते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक अगर हमारे कैलकुलेटर वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसको ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने कैलकुलेटर बनाने की सीरीज़ में तीन तीन वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं और ये बेस्ट कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, जिसमें आप अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा सिंपल वीडियो था, इसको देख लीजिएगा। इसमें नॉर्मल मोड हमने एक्सेस किया और मोस्टली लोग यही वाला कैलकुलेटर बनाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइंटिफिक मोड बनाया था, और उसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिक मोड बनाया था लेकिन साइंटिफिक मोड में क्या किया था, हम लोगों ने ऑप्शन दिया था कि अगर बंदा चेक करता है तभी, अगर ओपन करता है तभी साइंटिफिक मोड ओपन होगा। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद और कुछ फीचर्स ऐड किए थे। तो मेक श्योर आप ये तीन वीडियो देख लें। और आज मैं बेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग अपने कैलकुलेटर पे ऑडियो भी ऐड करेंगे। जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो ऑडियो हमारा कंप्यूटर स्पीक भी करेगा कि आपने क्या बटन क्लिक किया, 1 2 3 प्लस इक्वल्स, ठीक है। तो ये सारी है। उसके बाद अगर आपको पाइथन सीखना है बेसिक्स तो आप ये देख सकते हैं, या आप बढ़िया सा प्रोजेक्ट चैटबॉट बना सकते हैं, या आप इस ये बना सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये प्लेलिस्ट पूरी एक्सेस कर लीजिए क्योंकि हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी और भी प्रोजेक्ट लाएंगे तो इसमें डालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तक हम लोग ने क्या क्या बनाया था और आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको, मैं क्या करता हूँ, इसको अभी ओपन रखूँगा गूगल क्रोम क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और ये हमारा, तो अभी मैं फ़ॉन्ट छोटा करूँगा क्योंकि मुझे कुछ इसमें समझाना नहीं, बस मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और सिंपली रन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप रन पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपका कैलकुलेटर सामने आ जाएगा। अभी ये सिंपल मोड लग रहा है, नॉर्मल मोड पे है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलकुलेशन इजिली परफॉर्म हो जाएगा। इवन कल हम लोगों ने एंटर की पे भी काम किया था, ठीक है। तो ये हो रहा है। उसके बाद आप मोड पे जाके साइंटिफिक मोड चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक बटन्स आ जाएंगी जिससे हम 42 है तो उसका साइन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा साइन आ गया, इतना काम हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे मोड का टॉगल बनाया था। आज हम लोग, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं वन क्लिक करूँ तो ऑडियो आवाज़ भी आए, आवाज़ आए और हम लोग क्या कर पाएँ, सुन भी पाएँ कि वन क्लिक हुआ है, फिर टू क्लिक हुआ है, फिर प्लस क्लिक हुआ है, फिर थ्री क्लिक हुआ है, फिर इक्वल टू क्लिक हुआ है, ठीक है। तो आवाज ऑडियो भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे ऑडियो इंटीग्रेट करना है। तो ऑडियो को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल चाहिए होगा जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उस मॉड्यूल का नाम क्या है, आप यहाँ पर आइएगा गूगल क्रोम पे, गूगल ब्राउज़र पे आएगा और सर्च करेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, सर्च करेगा PyTTSX3। ये बेसिकली मॉड्यूल है जो हमारे लिए हेल्प करेगा टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के। दैट मीन्स अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा हाय माय नेम इज़ दिस, तो वो क्या करेगा, ये मॉड्यूल की हेल्प से हम लोग उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो जो सबसे पहले वेबसाइट ओपन होगी पाई, इसको आप ओपन कर लोगे और यहाँ पर आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंस्टॉल कैसे करना है। पिप इंस्टॉल PyTTSX3, आप ये कमांड चलाओगे सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यूज़ कैसे करना है, और यूज़ करने के बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, इसमें रेट बदल सकते हो, वॉल्यूम बदल सकते हो, वॉइस बदल सकते हो, मेल फीमेल कर सकते हो, और ये सारा काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपने आते हैं अपने पाईचार्म पे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए जो मैं कमांड लिख रहा हूँ वो कमांड सब लोग टाइप करेंगे, ठीक है। देखिएगा कौन सा कमांड है। तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे पिप इंस्टॉल और आप टाइप करोगे PyPyTTSX3, एंटर कर दोगे और नेट ऑन होना चाहिए। अगर नेट ऑन होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड ऑलरेडी, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप में थोड़ा टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल कर देगा उसे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी तक मैंने अपने पूरे इस प्रोजेक्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग की है, सारे फंक्शंस बना के काम किए। अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे फंक्शन बनाए थे, क्लियर, ऑल क्लियर,
क्लिक बटन फंक्शंस, फिर मैंने नीचे भी बहुत सारे फंक्शन बना के काम किए। मैंने बताया था ये तरीका अच्छा तो है, बट इससे भी अच्छा तरीका है क्लास का। तो ऑडियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आज क्लास एक बनाऊँगा और क्लास को फिर हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे ऑडियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपको क्लास कैसे बनानी, क्या क्या उसके अंदर रखना है और कौन सी प्रॉपर्टी क्या उसका क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ पर एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं। और पाइथन की फाइल का नाम रखूंगा ऑडियो अंडरस्कोर हेल्पर, एंटर कर दें। तो ये हमारी बेसिकली फाइल है ऑडियो अंडरस्कोर हेल्पर। और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, तो मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं और इसको फुल स्क्रीन पे कर ले रहा हूं। अपना ये वाला जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था पाई TTSX3, इसको इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं सिंपली लिखूंगा एक क्लास और क्लास का नाम दे दूंगा प्ले ऑडियो। आप कोई भी नाम दे दीजिए यहाँ पे प्ले ऑडियो, क्योंकि ये जो क्लास काम करेगा प्ले ऑडियो का काम करेगा, इसीलिए हम लोगों ने नाम ले लिया इसका प्ले ऑडियो। तो अभी पास नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जैसे ही कंस्ट्रक्टर किस लिए बनाएंगे भाई, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और जो काम हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा वो सारा हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे। तो पाइथन में बहुत आसान है कंस्ट्रक्टर बनाना, आप लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये बेसिकली होता है आपका कंस्ट्रक्टर। जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसको कॉल करेंगे, तो मैं कुछ फंक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ आर्गुमेंट ले रहा हूँ। सबसे पहला आर्गुमेंट होगा वॉइस। वॉइस का मतलब है कि आपको मेल स्टार्टिंग, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके इसमें आपको मेल वॉइस चाहिए कि फीमेल, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको मेल कर दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे फीमेल पास कर दोगे प्ले ऑडियो में, तो होगा क्या, ये फीमेल की आवाज़ स्पीक करेगा। ठीक है, फिर हम कॉमा लगा के हम यहाँ पास कर देंगे स्पीक स्टेटस। एक और वेरिएबल मैं ले रहा हूँ स्पीक स्टेटस। स्पीक स्टेटस का मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, दैट मीन्स आपका ये जो क्लास है ये मतलब क्या करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच करेगा और ऑडियो भी इनेबल रहेगी। लेकिन अगर हम इस स्टेटस की वैल्यू फॉल्स कर देंगे तो ऑडियो इनेबल नहीं रहेगी। आप कितना भी फंक्शन स्पीक स्पीक कॉल करेंगे बट नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट में एक वॉइस की वैल्यू भी हम क्या रख देंगे मेल। और सिंपली देखिए मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट में एक स्पीक स्टेटस भी ले लूँगा स्पीक स्टेटस, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अपना स्पीक स्टेटस डालेंगे। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें वॉइस मेल हो जाएगा और स्पीक स्टेटस क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दो काम जब हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। डिक्शनरी क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब वन बंदा प्रेस करे तो हमें वन थोड़े ये जो जैसे मान लीजिए वन बंदा प्रेस करेगा तो ये वन तो नंबर है बट हमें वर्ड चाहिए वन। तो हम लोग क्या करेंगे इसी तरह एक डिक्शनरी बना लेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट और सेल्फ डॉट में लिख देंगे स्पीक वर्ड्स की एक्चुअल में किस नंबर पे क्या हमें क्या ऑडियो चाहिए उसका हम लोग एक डिक्शनरी बना लेंगे। बस वेट करिए अभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने क्या किया अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक डिक्शनरी बना ली, और डिक्शनरी में मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर में स्पेसिफाई करूँगा कि भाई अगर वन हुआ तो ये वन स्पीक करेगा सिंपली, और अगर कॉमा लगा के अगर ये वैल्यू टू हुई तो ये टू स्पीक करेगा, कॉमा लगा के अगर ये वैल्यू थ्री हुई तो ये थ्री स्पीक करेगा, कॉमा लगा के अगर ये वैल्यू फोर हुई तो ये फोर स्पीक करेगा। तो आप यहाँ पे जितनी बटन है उन सब बटन को स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या हमें स्पीक कराना है। ये बेसिकली आपकी की है और ये आपकी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जैसे सपोज उसने प्लस क्लिक किया तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अब हमें चाहिए प्लस। ठीक है, उसके बाद हम अगर मान लीजिए बटन क्लिक हुई इक्वल की तो हमें चाहिए होगा इक्वल टू। इसी तरह जिस बटन पे जो ऑडियो चाहिए आप इधर लिख दोगे, क्योंकि बंदा क्या करेगा वन टू थ्री प्रेस करेगा, और हम क्या करेंगे इस स्पीक वर्ड से की पास करेंगे वैल्यू मिल जाएगी तुरंत। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसी इनिट में मैं अपना इंजन इनिशियलाइज कर लेता हूँ जिससे कि हम स्पीक करा पाएँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट इंजन, एक वेरिएबल मैंने ले लिया है और वेरिएबल में मैं क्या करूँगा इनिट कर दूंगा, तो आपका इंजन बन के आ जाएगा, इंजन का ऑब्जेक्ट इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज का मतलब अब आप इस इंजन की हेल्प से कोई वर्ड स्पीक करा सकते हो। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमें आवाज़ देखिए मेल रखनी है या जो पास करोगे वो रखनी है, दैट मीन्स आप वॉइस को सेट करोगे। तो देखिएगा सिंपली मैं क्या करूँगा, देखिए आपको कॉल करना है यहाँ पर सेल्फ डॉट इंजन पे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है गेट
प्रॉपर्टी, एक मेथड कॉल करना है गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे अगर आप पास करते हो वॉइसेस तो आपके कंप्यूटर में जितनी वॉइसेस होंगी वो मिल जाएंगी, और जितनी वॉइसेस मिलने का मतलब सिंपली उसको मैं एक वी वेरिएबल में रख लूँगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ वी को, तो आप देखिएगा दो तीन वॉइस मिल जाएंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहीं पर। तो हम लिखेंगे मेन या इफ़ लिखे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइए अपने इस क्लास का। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं ओबी और लेते हैं प्ले ऑडियो, प्ले ऑडियो, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ नहीं पास किया। अब इसके कंस्ट्रक्टर में अगर मैंने कुछ नहीं पास किया तो वॉइस की वैल्यू मेल है और स्पीक स्टेटस ट्रू है। अब देखिएगा सिंपली अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो देखिएगा आपको एक लिस्ट मिल रही जिसमें एक ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये वॉइस है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, तो जीरो पोजीशन पे मेल है और वनथ पोजीशन पे फीमेल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मेल की प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो मैं सिंपली लिखूँगा सेल्फ डॉट इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर लिखूँगा वॉइस, और वॉइस में पास कर दूँगा, देखिए मैं पास कर दूँगा वी का मेल है तो जीरो पोजीशन वाला लेंगे ये वाला, ठीक है, और इसकी आईडी पास कर देंगे, दैट्स इट। आपके इंजन में मेल की वॉइस सेट हो जाएगी, फीमेल करना होगा तो यहाँ पे आपको वन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना अगर काम हो गया तो दैट्स इट। अब हमें अभी स्पीक यहाँ नहीं कराएंगे इतना, दैट मीन्स हमारा एक दो काम हो गया। पहली चीज़ आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए यहाँ पे, वॉइस स्पीक स्टेटस स्पीक वर्ड्स, और तीसरी चीज़ हमारा इंजन इनिशियलाइज हो गया और वो भी ऑब्जेक्ट में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर है और एक फंक्शन बना देंगे डेफ स्पीक का, एक फंक्शन बना देंगे डेफ स्पीक, और स्पीक क्या कराएंगे, जो कंटेंट हम लेंगे यूज़र से। और देखिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ अगर स्पीक स्टेटस, तो आप देखो सेल्फ डॉट स्पीक स्टेटस अगर ट्रू है, इसका मतलब भाई ऑडियो ऑन है, और अगर ऑडियो ऑन है तब आपको क्या करना है, सिंपली सेल्फ के इंजन पे डॉट से मेथड कॉल कर लेना है। और देखिए अगर आप कंटेंट पास कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 1, 2, 3, इसमें से कोई वैल्यू होगी, मतलब दैट मीन्स की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कंटेंट को डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे सेल्फ डॉट स्पीक वर्ड्स, स्पीक वर्ड्स, और हम लोग इस कंटेंट को डिक्शनरी से निकालेंगे। तो होगा क्या, आप सिंपली देखो अगर कंटेंट में प्लस आएगा तो आप स्पीक वर्ड में प्लस दे दियो, और स्पीक वर्ड में प्लस का ये वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स आपका जो इंजन है वो से तो करेगा बट यहाँ पे प्लस स्पीक करेगा। अगर आपने यहाँ पे वन दिया होगा तो स्पीक वर्ड ऑफ वन मतलब ये वाला वन, ओ एन ई, और स्पीक भी ओ एन ई करेगा। इतना काम करने के बाद सिंपली आप क्या कर सकते हो, सेल्फ डॉट, और यहाँ पे सेल्फ डॉट सिंपली इंजन, सेल्फ डॉट इंजन रन एंड वेट, रन एंड वेट सिंपली ये क्या करेगा, आपके कंटेंट की वैल्यू स्पीक करा देगा। इतना काम करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सपोज आपने लिखा ओ बी डॉट स्पीक, और स्पीक में आपने पास कर दिया वन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे ऑडियो आई बट मेरा यहाँ पे स्पीकर नहीं ऑन है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी अब माइक। तो मैं स्पीकर ऑन करता हूँ एक बार, तो मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ वन, आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा ऑडियो और बढ़ा देता हूँ, सिंपली मैं फिर से रन करता हूँ या इक्वल टू करता हूँ, तो देखिएगा ऑडियो आपकी आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जहाँ जहाँ भी स्पीक कराना है इसको मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को अभी तक हम लोगों ने ऑडियो सिर्फ इसी बटन्स के लिए एनेबल किया है। आप सारी बटन का यहाँ पे ऐड कर दोगे, सारी बटन का ऐड कर दोगे, जैसे अगर आपको माइनस का भी लेना है तो जितनी बटन का ऑडियो चाहिए सबका आप यहाँ पर ऐड कर दोगे माइनस, ठीक है, सबका ऐड कर दोगे। फिर आएंगे अपने मेन मॉड्यूल में, और यहाँ पर हमें वो चीज़ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट, देखिए या आप ऐसा लिख दीजिए क्योंकि हमें क्लास चाहिए, तो आप लिखिए फ्रॉम ऑडियो हेल्पर इम्पोर्ट अपनी क्लास ऑडियो, ठीक है। और जैसे ही आपका ये मॉड्यूल चलेगा, आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए प्ले ऑडियो का, तो आप लिखिए ओबी इक्वल टू, और यहाँ पे लिखिए प्ले ऑडियो सिंपल। और अगर यहाँ पे फीमेल चाहिए तो आप यहाँ पे आप वॉइस इक्वल टू फीमेल लिख दीजिए, तो ये फीमेल की आवाज़ में ऑडियो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फीमेल। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, या हाँ हमने देखे यहाँ पे मेल वाली कोडिंग की थी ना, अच्छा मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया था, इसको मेल कर दिया था, ठीक है।
तो फिलहाल ये सब चीज़ बाद में देख लेंगे, अभी आपका करियर ऐसे डिफ़ॉल्ट बना दिए, हम लोग क्या करेंगे इसकी वॉइस बाद में चेंज कर देंगे, मेल फीमेल कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि नीचे आ जाऊँगा, और जैसे ही ये देखिए कोई भी बटन जब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया और जो हमारा कैलकुलेटर बना, यहाँ पे कोई भी बटन अगर मैं क्लिक करता हूँ वन, तो जब वन क्लिक कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, आपका ये फंक्शन चल रहा है क्लिक फंक्शन बटन। तो जैसे क्लिक होगा जो बटन के ऊपर टेक्स्ट है वो इसमें आ जा रहा है, और मैं इसके नीचे क्या करूँगा सिंपली ओबी डॉट स्पीक, अपने ओबी स्पीक फंक्शन कॉल करूँगा, और स्पीक फंक्शन कॉल करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर टेक्स्ट पास कर दूंगा। टेक्स्ट मतलब जो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा। और अगर मैं रन करता हूँ, सिंपली रन करूँगा, तो जैसे ही मैं वन क्लिक करूँगा, देखिए वन और टू प्लस वन इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा ऑडियो यहाँ पे हो गया इनेबल, बट दिक्कत आ रही है कि ये थोड़ा हैंग कर रहा है। हैंग इसलिए कर रहा है क्योंकि थ्रेड यहाँ पे सेम है थोड़ा, अगर आपको थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे मैं वन क्लिक कर रहा हूँ तो फिर जैसे मैं वन क्लिक किया तो ऑडियो को जो स्पीक करा रहा है वो भी जीवाए थ्रेड ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लैगिंग से छुटकारा पाने के लिए हमें एक थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो आप इंपोर्ट कर लेंगे, देखिए आप लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे लिखेंगे थ्रेडिंग मॉड्यूल, और थ्रेड बनाना और स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग आ जाएंगे अपने इसमें, और ये फंक्शन देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से मैं स्पीक कराऊंगा। दैट मीन्स स्पीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे थ्रेड की। तो आप लिखिए यहाँ टी इज इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और यहाँ पे आप अपना फंक्शन दे दीजिए टारगेट में। तो हमने कहा ओ बी डॉट स्पीक फंक्शन है, और रेफरेंस देना है सिर्फ, तो आप रेफरेंस दे दीजिए और आप आर्गुमेंट में पास कर दीजिए कि भैया मुझे एक टेक्स्ट देना है। तो ये सिंपली जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेगा ये आर्गुमेंट इसको पास कर देगा, और आप यहाँ क्या कर दिए स्टार्ट कर दीजिए टी को टी डॉट स्टार्ट, ठीक है। इतना काम करोगे तो ये लैगिंग नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ये थ्रेड स्टार्ट होगा, अब जो ऑडियो वाली चीज़ आपने लिखी इस फंक्शन का काम, ये दूसरे थ्रेड के पास चला जाएगा। देखिएगा मैं सिंपली वन रन करता हूँ, और रन करने के बाद ये हमारा कैलकुलेटर में वन क्लिक करता हूँ, वन प्लस ठीक है तो इक्वल टू, तो हमारा ऑडियो एकदम सही काम कर रहा है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑडियो हमारा ऑन हो गया। तो इसी तरह आप ऑडियो ऑन कर सकते हो। अब आप थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, एक क्लास बनाई है और क्लास में कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है, और फिर हम लोगों ने उस क्लास को यहाँ पे यूज़ किया, एक नया थ्रेड बना के यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका होमवर्क ये है कि आपको करना क्या है कि अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इतना मैंने करा दिया है, अब आपको अपना दिमाग लगाना है और यहाँ मोड पे जाके यहाँ पे एक ऑडियो बनाना है, ऑडियो का ऑप्शन बनाना है। अगर आप ऑडियो को चेक कर दें तभी ऑडियो यहाँ पर आए, अगर आप ऑडियो को अनचेक कर दें, जैसे मैंने साइंटिफिक कर रहा हूँ वैसे ही आप ऑडियो पे चेक कर दें तो ऑडियो आए, और अगर ऑडियो पे चेक ना करें तो यहाँ पे ऑडियो ना आए, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, और मेल फीमेल का भी बना सकते हो, बट ये सारा काम आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ ये काम करने के लिए, तो आप कमेंट करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि नेक्स्ट जो हम इस पर ये वाला ऑप्शन ऑडियो वीडियो बनाएं या आप करेंगे, आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और ये काम करके मुझे दिखाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं इसका सोर्स कोड तीनों वीडियो में, चारों वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा सोर्स कोड का लिंक, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।